नमस्कार, मैं हूं भारती। स्वागत है आपका नील कंप्यूटर्स की फ्री ऑनलाइन क्लासेस में। आज की क्लास में हम देखेंगे कि एक्सेल में पेज सेटअप कैसे किया जाता है। जब भी हमें किसी डेटा का प्रिंट लेना है तो उसके पहले हमें उसकी पेज की सेटिंग करना ज़रूरी है, तो वो हम करेंगे उसके पेज सेटअप में। तो आइए जानते हैं कि हमें कैसे पेज सेटअप करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर आपको एक आउटपुट दिखाया जा रहा है। इस आउटपुट में आप किसी भी टाइप का कोई भी डेटा जब ऐड करते हैं तो उसमें कलर, अलग अलग फॉर्मेट आपने इसमें ऐड किए हैं, बॉर्डर वगैरह बनाया हुआ है, तो इसकी सेटिंग करनी होती है। तो देखिए, अगर हमें इसको प्रिंट लेना होता है, डेटा तैयार करने के बाद हमें प्रिंट लेना है, तो आप फाइल मेनू में जाएंगे। यहाँ पे देखो, ये फाइल मेनू दे रखा है। इस फाइल मेनू को ओपन करते हैं तो आपको यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन दिखाई देगा। आप यहाँ से भी प्रिंट देख सकते हैं अपना, और अगर आप चाहें तो कंट्रोल पी करके भी आप प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं। यहाँ पे आपको ये प्रिंट दिखाया जा रहा है। देखिए, हमें इसमें कुछ भी और सेटिंग चेंज करनी है, इसका मार्जिन, ओरिएंटेशन वगैरह चेंज करना है, तो उसके लिए पेज सेटअप में जाना होगा। देखिए, आपको यहाँ पे प्रिंट के ऑप्शन में सबसे लास्ट में आपको यहाँ पे पेज सेटअप का ऑप्शन दिखाया जा रहा है। इस पर भी आप क्लिक करेंगे तो आपको कुछ सेटिंग चेंज करने के लिए यहाँ पे पेज है, मार्जिन है, हेडर फुटर है, शीट के ऑप्शन है, कुछ ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है। देखिए, सबसे पहले आपको ये पेज का ऑप्शन जो दिखाया जा रहा है कि आपको अपना पेज का ओरिएंटेशन कैसे रखना है, पोर्ट्रेट पेज पे रखना है यानी सीधे पेज पे रखना है, या लैंडस्केप यानी आड़े पेज पे रखना है। तो जिस टाइप का आपका वर्क है उसके अकॉर्डिंग आप ये चूज़ करें कि आपको वो डेटा पोर्ट्रेट पेज पे लेना है या फिर लैंडस्केप पे। देखिए, अभी जो है यहाँ पे पोर्ट्रेट पेज दिया हुआ है, यानी सीधा है पेज आपका, और अगर आप इसको लैंडस्केप में लेते हैं तो ये आपका लैंडस्केप पेज में सेट हो जाता है। ओके करते हैं यहाँ से, तो ये आपका प्रिंट जो है वो लैंडस्केप में हो जाता है, यानी पेज सीधा ना होके वो आड़ा हो जाता है और आपका प्रिंट जो है वो उसी अकॉर्डिंग आता है। तो आप ये सेट कर सकते हैं पेज सेटअप में जाके। अगर आपको वापस पोर्ट्रेट ही लेना है तो आप वापस इसको पोर्ट्रेट अप्लाई करके ओके कर सकते हैं, तो आपका वापस जो है वो पोर्ट्रेट पेज में चेंज हो जाता है। इसके अलावा देखो, ये पेज सेटअप में जो चीज़ें आपको दिखाई जा रही हैं, जो जो आपको फॉर्मेट, पेज, मार्जिन, हेडर, फुटर, शीट, यही ऑप्शन आपको अगर आप चाहें तो पेज लेआउट में भी देख सकते हैं। ये देखिए, यही पेज सेटअप आपको यहाँ भी दिखाई दे रहा है। इसको जब आप ओपन करेंगे तो यही सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर भी शो करते हैं। ये पेजेस के ऑप्शन हैं। दूसरा है एडजस्ट। जैसे हमें कई बार क्या होता है, हमें अपने शीट के डेटा को एडजस्ट करना है, यानी एक पेज के डेटा को आपको दो पेज में शिफ्ट करना है या दो पेज के डेटा को एक पेज में शिफ्ट करना है, तो एडजस्ट। अभी देखो, नॉर्मली 100% दिया हुआ है। अगर आप इसको यहाँ से कम या ज़्यादा करना चाहते हैं, जैसे हमने यहाँ से इसको कम किया, तो ये इस तरह से देखो एक कॉलम यहाँ पे और बढ़ जाता है, क्योंकि हमने उसका जो यहाँ पे पेज सेटअप में पेजेस का जो है उसको एडजस्ट कर लिया, नॉर्मल साइज से हमने थोड़ा सा उसको कम कर लिया। और अगर आप यहाँ से इसको वापस 100% करते हैं तो यहाँ पे ये बिल्कुल वापस फिट हो जाता है, यानी आप अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर सकते हैं। अगर हम यहाँ से इस वाले ऑप्शन में इसको ओपन करके अगर मार्जिन इसका नॉर्मल साइज़ जो है वो बढ़ा देते हैं, जैसे हमने 120% कर दिया, तो क्या होगा, वो दूसरे पेज पर शिफ्ट होगा। तो ये सब चीज़ें जो हैं हम पेज सेटअप से सेट कर सकते हैं कि हमें अपने डेटा को किस टाइप से एडजस्ट करना है। कई बार क्या होता है, हमें अपने डेटा को अलग अलग तरह से सेट करना होता है, 100% से बढ़ाना भी पड़ता है, 100% से कम भी करना पड़ता है, तो वो आप अपने डेटा के अकॉर्डिंग उसको सेट कर सकते हैं। वापस आपको उसी तरह से सेट दिखाई देगा। इसके अलावा पेज सेटअप में आपको यहाँ पे दे रखा है फिट टू। फिट टू का क्या मतलब होता है, किसी पेज में किस पेज से प्रिंट लेना है और कौन से पेज तक प्रिंट लेना है, यानी कौन से पेज नंबर से शुरू करके कौन से पेज नंबर तक जाना है, प्रिंट कैसे लेना है, वो आप फिट टू वाला ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद नॉर्मली पेपर की साइज़ नॉर्मली कितनी रखनी चाहिए, आपके प्रिंटर में किस टाइप के पेजेस आप यूज़ करते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली ऑफिशियल सारे वर्क जो है A4 साइज़ के पेपर पे होते हैं, तो आप यहाँ से A4 चूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा देखो, यहाँ पे हम नेक्स्ट जाते हैं मार्जिन में। पेज का मार्जिन यानी आउटसाइड में जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है, टॉप में, लेफ्ट में, बॉटम में, राइट में, तो ये कितना आपको मार्जिन
स्पेस कितना रखना है। तो डिफ़ॉल्ट रूप में तो यहाँ पे देखो ये दे रखा है टॉप में 0.75 बॉटम में, लेफ्ट में 0.7 और राइट में 0.7, और हेडर और फुटर का भी 0.3 इंच दे रखा है। अब आप इसमें चेंजेस करना चाहते हैं तो चेंजेस कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि हमें लेफ़्ट में मार्जिन थोड़ा ज़्यादा रखना है तो आप लेफ़्ट का मार्जिन बढ़ा सकते हैं, टॉप का चाहते हैं तो टॉप का मार्जिन बढ़ा सकते हैं, बॉटम या राइट का भी बढ़ा सकते हैं, और अगर आपको हेडिंग का मार्जिन बढ़ाना है तो हेडिंग का भी मार्जिन बढ़ाया जा सकता है। जैसे हम यहाँ पे लेफ़्ट का मार्जिन अगर बढ़ा देते हैं, लगभग हमने कुछ अपने डेटा के हिसाब से इसमें लेफ़्ट का मार्जिन बढ़ाया, हम अगर यहाँ से प्रिंट प्रीव्यू करके देखते हैं तो यहाँ देखिए यहाँ आपको ये मार्जिन यहाँ पे बढ़ा हुआ दिखेगा और पेज का जो स्कैन है वो दूसरे पेज पे शिफ्ट दिखेगा, ये देखिए इस टाइप से, क्योंकि आपका जो है मार्जिन एरिया लेफ़्ट साइड में आपने बढ़ा दिया है, तो आपका जो डेटा यहाँ पे, ये डेटा यहाँ पे शिफ्ट था जो दूसरे पेज पे आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो मार्जिन एरिया बढ़ाने की वजह से। मार्जिन एरिया हमें वापस कम करना है या ज़्यादा बढ़ाना है तो हम पेज सेटअप में मार्जिन में जाके भी कर सकते हैं। ये हमने वापस इसको पहले जितना सेट कर दिया है, यही चीज़ आप चाहें तो पेज सेटअप में मार्जिन वाला ऑप्शन दे रखा है, नॉर्मल रखना है, वाइड रखना है, नैरो रखना है, या कस्टम मार्जिन में जाके आप अगर देखेंगे तो यही सारे ऑप्शन आपको खुद से। इसके अलावा यहाँ पे नीचे देखो सेंटर ऑफ पेज हॉरिजेंटल है और वर्टिकल है। अभी देखो ये दिया गया है हॉरिजेंटल, जो आपको प्रीव्यू में देखेंगे तो ये कुछ इस टाइप से दिखाई दे रहा है, ये हॉरिजेंटल सेट। लेकिन अगर आप इसमें पेज लेआउट के पेज सेटअप में मार्जिन में अगर आप इसको वर्टिकल लेना चाहते हैं, अगर हम इसको वर्टिकली सेट करते हैं, हॉरिजेंटल हटा देते हैं, देखिए यहाँ पे जैसा आपको प्रीव्यू दिखाई दे रहा है, हम प्रिंट प्रीव्यू में देखते हैं तो देखिए ये इसका वर्टिकली स्केल सेट हो जाता है। तो आप ऐसा चाहें तो आप ऐसा कर सकते हैं, हॉरिजेंटल चाहें तो हॉरिजेंटल और वर्टिकल चाहें तो वर्टिकल उसको सेट किया जा सकता है। इसको हमने वापस यहाँ से वर्टिकल ऑप्शन हटा के हॉरिजेंटल सेट कर दिए तो वापस ये देखो प्रीव्यू वैसे ही सेट हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं हेडर फुटर की। अगर आपको हेडिंग ऐसी बनानी है कि आप हर पेज पे हेडिंग को रिपीट करना चाहते हैं तो आप हेडर के ऑप्शन में, कस्टम हेडर में जाके अपनी कोई भी हेडिंग वगैरह सेट कर सकते हैं। सेंटर में कोई हेडिंग लेनी है, लेफ्ट साइड में, लेफ्ट सेक्शन में कुछ लेना है, राइट सेक्शन में कुछ लेना है, तो आपको यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं आप ले सकते हैं, या आपको कोई हेडिंग हटानी है तो आप हटा भी सकते हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ पे आप अगर चाहें तो डिफरेंट ऑड और इवन पेज, यानी आप ऑड और इवन पेजेस की हेडिंग जो है अलग अलग सेट करना चाहते हैं, यानी ऑड पेज में अलग सेट करना चाहते हैं, इवन पेज में अलग सेट करना चाहते हैं, तो ये वाला ऑप्शन आप चूज़ करेंगे हेडिंग के लिए, जो हेडिंग आपके पेज के टॉप में जो दिखाई देती है वो हेडिंग है। और अगर आप फर्स्ट पेज डिफरेंट बनाना चाहते हैं तो डिफरेंट फर्स्ट पेज वाला ऑप्शन देंगे, तो पहला पेज जो है वो हेडिंग के लिए आप अलग सेट कर सकते हैं। आप कोई भी हेडिंग उस पर बनाए जो डिफरेंट फर्स्ट पेज यानी पहले पेज के लिए होगी, वो केवल फर्स्ट पेज पे दिखाई देगी, बाकी सारे पेजेस पे सेम हेडिंग आपको नज़र आएगी। तो ये ऑप्शन आप अपने वर्क के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि आपका वर्क किस टाइप से, आप हेडिंग क्या बना रहे हैं। फर्स्ट पेज के लिए अगर हेडिंग अलग से है तो डिफरेंट फर्स्ट पेज वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे, और सारे पेज पे एक जैसा ही अप्लाई करना है तो इन दोनों ही ऑप्शन को हटाएंगे तो सारे पेज पे सेम दिखाई देगी, और ऑड और इवन पेज वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे तो ऑड और इवन पेज अलग अलग सेट किए जा सकते हैं। इसके अलावा इसमें एक ऑप्शन और दे रखा है शीट का। देखिए शीट में नॉर्मली हमारे पास एक टेबल है और उस टेबल में हमें रो को रिपीट करना है। अब हर पेज पे रो को रिपीट करनी है तो रो टू रिपीटेड टॉप वाला ऑप्शन हम चूज़ करेंगे। कर्सर हमने यहाँ रखा और हमारी टेबल की जो फर्स्ट रो है उसको हमने सेलेक्ट किया, जैसे हम ये वाली रो जो है हम ये रिपीट करना चाहते हैं तो इसको हमने सेलेक्ट कर लिया और ओके कर दिया। ओके करने के बाद रो जो है वो डाउन साइड में जाने के बाद आप डाउन साइड वाले पेजेस पे जैसे ही आप जाके क्लिक करेंगे तो वो रो आपको उस पेज पे रिपीट नज़र आएगी। आपके पास जितने पेजेस हैं उन सभी पेजेस पे आपको इसी तरीके से रो साइड जाना है और एक बार क्लिक करना है तो ये रो जो है आपको रिपीट नज़र आएगी।
इसी तरीके से अगर आप कॉलम भी रिपीट करना चाहते हैं तो कॉलम को भी रिपीट किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए एक कंडीशन है कि आपके पास उसमें कोई भी सेल मर्ज नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो ऊपर हेडिंग, जो मेन हेडिंग जो बना रखी है वो मर्ज की हुई है, तो इसको या तो आप अनमर्ज करें या फिर इसको डिलीट कर दें। तो हम अभी आपको सिखाने के पर्पज से हम इसको यहाँ से डिलीट कर दें। ये वाला जो कॉलम है यानी ये वाला जो सेल हमने बनाया हुआ है इसको हम डिलीट कर देंगे। होम मेनू में जाके हम डिलीट रो कर देंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। अब हमें ये कॉलम रिपीट करना है तो वो कॉलम रिपीट होगा। इस ऑप्शन में हम ओपन करते हैं, पेज लेआउट के ऑप्शन में जाएंगे, पेज लेआउट में हम पेज सेटअप का ऑप्शन ओपन करते हैं, इसमें शीट वाला ऑप्शन ओपन करते हैं। तो यहाँ पे हम कॉलम को रिपीट करना चाहते हैं तो कॉलम टू रिपीटेड लेफ्ट फर्स्ट वाला कॉलम हमने सेलेक्ट किया, देन ओके करेंगे और राइट साइड में जो पेजेस हैं उन पेजेस पे जाके एक बार क्लिक करेंगे तो वो रो आपको कॉलम आपको रिपीट होता हुआ नजर आएगा। इस तरीके से बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, उस समय कोई भी डेटा मर्ज नहीं होना चाहिए या कोई भी सेल मर्ज नहीं होना चाहिए उसमें, तभी ये कॉलम आपको रिपीट दिखाई देगा। इसके अलावा प्रिंट टाइटल में अगर हम जाते हैं तो आपको इस शीट वाले ऑप्शन में ग्रिड लाइन का ऑप्शन दिखाया जा रहा है। देखिए बेसिकली अगर अभी आप प्रिंट देखते हैं और इसमें अभी तो हमने क्या है बॉर्डर बनाया हुआ है, अगर आप बॉर्डर नहीं बनाते हैं जैसे हम यहाँ पे बॉर्डर रिमूव कर देते हैं, होम मेनू में जाके यहाँ से बॉर्डर वाले ऑप्शन में गए और नो बॉर्डर कर दिए तो आपका बॉर्डर जो है वो हाइड हो जाता है। अब बॉर्डर आपको अगर बनाना है तो चाहे तो आप पेज लेआउट के ऑप्शन में प्रिंट टाइटल में गए और शीट के ऑप्शन में यहाँ से हमने ग्रिड लाइन का ऑप्शन लिया तो आपको प्रिंट में अगर देखेंगे तो इस टाइप से ये बॉर्डर बना हुआ दिखेगा, आउटसाइड में ये बॉर्डर बना हुआ दिख रहा है। आप इस टाइप से आप ये बॉर्डर बना सकते हैं या फिर सिंपली जैसे अगर हमें कोई भी और वर्क करना हो और उसमें बॉर्डर बनाना हो तो आप इसको बॉर्डर सेट कर सकते हैं। अलग अलग टाइप के बॉर्डर जो हैं वो आप बना सकते हैं, चाहे तो आप बॉर्डर ऑप्शन से भी बना सकते हैं, चाहे आप पेज सेटअप से भी इसे भी बनाया जा सकता है। ये शीट के ऑप्शन में एक ग्रिड लाइन को सेट करेंगे, ग्रिड लाइन में आप यहाँ से व्यू देखेंगे तो आपको ये बॉर्डर बना हुआ दिखेगा। इसका एक तरीका और है बनाने का, ये आपको प्रिंट टाइटल में भी आपको यही सारे ऑप्शन जब दिखाई देते हैं तो प्रिंट टाइटल में भी आप चाहें तो इसमें से भी ले सकते हैं ग्रिड लाइन वाला ऑप्शन। और अगर आप चाहें तो ये ऑप्शन आपको एक और जगह मिलेगा, ये ग्रिड लाइन का, ये प्रिंट वाले ऑप्शन में। अगर इस प्रिंट वाले ऑप्शन में आप अप्लाई करते हैं तो आपको वो ग्रिड लाइन बनी हुई दिखाई देती है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे जो है वो आपका जो ग्रिड लाइन है वो अभी देखो इस टाइप से आपको दिखाया जा रहा है। ये इसलिए दिखाया जा रहा है क्योंकि आउटसाइड में ही आपको ये बॉर्डर दिख रहा है। कारण ये है कि इसमें कुछ ना कुछ फॉर्मेट हमने ऐड किए हुए हैं। इन फॉर्मेट को अगर हटा के अगर हम करेंगे तो आपको ग्रिड लाइन पूरी दिखेगी। देखिए इसको एक हमने एक नेक्स्ट शीट में इसी को कॉपी किया हुआ है। अब इस डेटा में अगर हम क्वालिटी डालते हैं यानी अगर हम इसमें शीट के ऑप्शन में ये ग्रिड लाइन का ऑप्शन लेते हैं और ओके करते हैं, अब आप प्रिंट देखेंगे इसका या प्रिंट प्रीव्यू डायरेक्टली वहाँ पे देखेंगे तो इस टाइप से एक ग्रिड लाइन बनी हुई थी। कई बार क्या होता है कुछ फॉर्मेट ऐसे बने हुए होते हैं उस फॉर्मेट में ग्रिड लाइन उस टाइप से नहीं आ पाती है तो आपको वो फॉर्मेट हटा के फिर ग्रिड लाइन बनानी है या ग्रिड लाइन बनाने के बाद कोई फॉर्मेट ऐड करना है। तो ये आपको ग्रिड लाइन अलग अलग टाइप से आप बना सकते हैं। इसके अलावा देखिए इसमें आपको ग्रिड लाइन के अलावा कुछ और भी ऑप्शन आपको दिखाई देंगे जो हमें पेज लेआउट में मिलेंगे। पेज लेआउट में ये पेज सेटअप और यहाँ पे हम गए शीट के ऑप्शन में। यहाँ पे देखिए ग्रिड लाइन का ऑप्शन हमने हटा दिया, ब्लैक एंड वाइट। अभी आपको कलर ये जो दे रखा है फॉर्मेट वगैरह ये सारा एज इट इज़ दिख रहा है, ये बिल्कुल एज इट इज़ दिख रहा है जैसा हमने क्रिएट किया है, जिस टाइप का कलर फॉर्मेट इसमें डाला है वो सारा इसी में दिख रहा है, एज इट इज़ दिख रहा है।
अगर हम इसका कोई कलर्स वगैरह चेंज भी, जैसे हम इस बॉर्डर का कलर चेंज कर देते हैं, होम मेनू में जाके हमने ये बॉर्डर का फॉन्ट कलर चेंज कर दिया है, हमने इसमें कलर चेंज कर दिया है, तो इसका कलर चेंज हो जाता है। अब अगर हम इसको पेज लेआउट में, पेज सेटअप में, अगर हमें शीट के ऑप्शन में जाके ये ब्लैक एंड वाइट वाला ऑप्शन अगर लेते हैं और प्रीव्यू देखते हैं प्रिंट प्रीव्यू करके, तो आपको देखिए इसमें कोई कलर फॉर्मेट नहीं दिखाई देगा, ना ही आपको ना टेस्ट का कलर दिखेगा, ना ही सेल का कलर दिखेगा, बिल्कुल एज इट इज़ आपका ये विदाउट कलर में, यानी उसका सारा कलर फॉर्मेट हटा के आपको सिर्फ ब्लैक एंड वाइट में आपको ये देता है। और बेसिकली जब अगर आपके पास कलर प्रिंटर नहीं है तो भी ये एज इट इज़ ब्लैक एंड वाइट में ही प्रिंट होगा। इसके अलावा एक ऑप्शन इसमें और जो दिया गया है वो है आपका शीट में ड्राफ्ट क्वालिटी। देखिए ड्राफ्ट क्वालिटी क्या होता है, कलर और बॉर्डर हट जाता है इससे, और इसे प्रूफ के लिए चेक कर सकते हैं। जैसे हमने ब्लैक एंड वाइट का ऑप्शन हटा लिया और ड्राफ्ट क्वालिटी में प्रिंट प्रीव्यू करते हैं, तो देखिए इस टाइप से इसका बॉर्डर और इसका कलर फॉर्मेट जो था वो हट जाता है, ये सिर्फ एक प्रूफ के लिए। हाँ, हेडिंग ज़रूर कलर में आई है, जो आपके पास टेस्ट का जो आपने कलर हेडिंग के लिए बनाया था वो ज़रूर कलर में आई है, बाकी सारा जो उसका फॉर्मेट जो था नीचे से वो सारा हट जाता है और उसका बॉर्डर वगैरह भी रिमूव हो जाता है। ये सिर्फ प्रूफ के लिए एक, हाँ कि हमें प्रूफ चेक करना है तो उसके लिए हम ड्राफ्ट क्वालिटी को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा देखो रो एंड कॉलम की हेडिंग, ये वाला ऑप्शन अगर हम चूज़ करते हैं और प्रिंट प्रीव्यू करके देखते हैं तो ये जो हेडिंग आपके पास बनी हुई है ऊपर रो और कॉलम की, वो भी यहाँ पे प्रिंट के रूप में सेट हो जाती है, यानी आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टली प्रिंट में लेने के लिए, आपको अलग से हेडिंग और नहीं बनानी पड़ती है, तो आप ये यहाँ से यूज़ ले सकते हैं। और यही आप अगर चाहें तो देखिए यहाँ से हमने इसको वापस रिमूव किया और ओके कर दिया, तो ये वापस रिमूव हो जाती है, और यही चीज़ आपको यहाँ पर हेडिंग में भी मिलती है। ये प्रिंट वाला ऑप्शन अगर हम लेते हैं और अगर हम प्रिंट में देखते हैं, प्रिंट प्रीव्यू करते हैं हम, तो यहाँ पे आपको वही चीज़ वापस दिखाई देगी, आपकी हेडिंग उस पेज पे सेट हो जाती है ताकि प्रिंट में भी ये शो करेगी। इसके अलावा प्रिंट टाइटल में देखिए यहाँ पे हमने ये सारे ऑप्शन देखे, एक ऑप्शन दे रखा है पेज का ऑर्डर। पेज ऑर्डर कैसे सेट करना है, दो तरीके हैं पेज का ऑर्डर सेट करने के लिए, डाउन देन ओवर और ओवर देन डाउन। देखिए इसके लिए हम आपको एक एग्जांपल बताते हैं कि यहाँ पे हमने जैसे इसका लेआउट व्यू में जाके हमने चेंज किया हुआ है, अब कुछ पेजेस यहाँ पे जब इंसर्ट किए हुए हैं, यहाँ पे कुछ पेजेस हैं, इन पेजेस पे हम सिर्फ एक हिंट के तौर पे कि हाँ यहाँ पे हमने कुछ वर्क किया हुआ है, हमने कुछ पेज नंबरिंग डाल देते हैं, जैसे हमने ये 1 डाल दिया, यानी यहाँ पे हमारा कुछ वर्क किया हुआ है, ये पेज पे हमने 2 डाल दिया, ये पेज पे हमने 3 डाल दिया। आपको प्रिंट कौन सा पहले लेना है, कौन सा बाद में लेना है, उसके लिए ये प्रिंट टाइटल सेट किया। जैसे डाउन साइड में हमने ये 3 पेजेस सेट किए, आप और चाहें तो और पेजेस सेट कर सकते हैं कि हाँ ये सारा जो है हमारा वर्क किया हुआ है। और राइट साइड में जो कॉलम वाइज जो पेजेस हैं उन पे भी इसी तरह से हम पेजेस सेट करते हैं। जैसे हमने 4 तक किया है, यहाँ पर हमने डाल दिया 5 से, ये दे दिया हमने 6, से नीचे वाले पेज पे दे दिया हमने 7, तो कुछ पेजेस हमने यहाँ पे ले लिए हैं। अगर आप चाहें तो और डाउन साइड और पेजेस सेट कर सकते हैं, ये हमने दे दिया 8, ये हमारे कुछ पेज सेट किए हुए हैं। अब ये सारा वर्क जो हमने किया हुआ है, प्रिंट का ऑर्डर कैसे लेंगे, उसके लिए आपको प्रिंट टाइटल ऑप्शन या पेज सेटअप में जाना होगा। देखिए यहाँ से प्रिंट टाइटल पर अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे पेज का ऑर्डर पहले कैसा दिया गया, डाउन देना होगा, यानी जैसा इसका प्रीव्यू दिखाया जा रहा है डाउन साइड में जितने भी पेजेस हैं उनको ये प्रिंट में पहले लेता है। तो यहाँ पे जैसे हमने प्रिंट प्रीव्यू किया तो सबसे पहले आपको ये 1 स्टार्टिंग पेज जो 1 है वो दिखा रहा है, हम इसका नेक्स्ट पेज करते हैं तो ये 2, देन यहाँ पे 3, देन 4, यानी 4 पेज हमने डाउन साइड सेट किए हैं, उसके बाद हमने कॉलम साइड वाले पेज सेट किए हैं, तो
तो ये मूव करेगा 5 पे, देन 6, देन 7 और 8, यानी 8 पेज नंबर तक हमने सेट किया, यहाँ तक हमारा वर्क किया है, तो इसी के अकॉर्डिंग ये प्रिंट आ जाता है। और अगर आप यहाँ से इसका ऑर्डर चेंज करते हैं, प्रिंट टाइटल के ऑप्शन में अगर हम गए, यहाँ से हमने ऑर्डर चेंज किया ओवर देन टॉप, यानी इसका हम जो है वो प्रीव्यू कैसा देख पा रहे हैं, ये जिगजैग के रूप में चल रहा है, पहले इस तरफ से लेगा, फिर उस तरफ जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर इस तरफ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये इसका ऑर्डर इस तरह से सेट करेगा जैसा इसका प्रीव्यू दिखाया जा रहा है। हम प्रिंट प्रीव्यू करते हैं, सबसे पहले 1 है। अब ये कहाँ जाएगा, पहले प्रिंट जो लेगा पेज जो आपने कॉलम साइड सेट किए, यानी 5, अगर 5 से आगे भी अगर आपने किए होंगे तो पहले वो दिखाएगा। अब ये आ रहा है देखिए 2 पे, फिर ये वापस 6 पे जा रहा है, 6 पे जाने के बाद ये आ रहा है 3 पे, फिर जा रहा है ये 7 पे, फिर जा रहा है ये 4 पे, और फिर जा रहा है ये 8 पे, यानी ये जिगजैग के तरीके से चल रहा है, एक बार इधर से लेता है, एक बार इधर से लेता है, एक बार इधर से लेगा, एक बार उधर से लेगा। इस टाइप से हम ये प्रिंट के लिए हम पेज सेट कर सकते हैं जो करेंगे हम पेज ऑर्डर्स। तो अलग अलग ऑप्शन इसमें आज हमने देखे हैं कि हमें पेज के ऑप्शन कौन सा सेट करना है, कैसे सेट करना है, कहाँ से कहाँ तक लेना है पेज, पेपर की साइज़ कौन सी सेट करनी है, ओरिएंटेशन कौन सा सेट करना है, मार्जिन कितना सेट करना है, कैसे सेट करना है, इसमें सेंटर ऑफ पेज हॉरिजॉन्टल रखना है या वर्टिकल रखना है, या हेडर फुटर को हम कैसे यूज़ करते हैं, अपनी हेडिंग को हर पेज पे कैसे हमें दिखानी है, फर्स्ट पेज को डिफरेंट रखना है या ऑड इवन पेज को एक जैसा रखना है, या शीट के ऑप्शन में अलग अलग ऑप्शन जो रो को रिपीट करना, कॉलम को रिपीट करना, या प्रिंट हमें सेट करना है ग्रिड लाइन के रूप में, ब्लैक एंड वाइट, या ड्राफ्ट क्वालिटी के रूप में, या रो को कॉलम की हेडिंग के रूप में, या पेज का ऑर्डर कैसे सेट करना है। तो ये सारे ऑप्शन पेज सेटअप के रूप में दिखाए जाते हैं और इसी के अकॉर्डिंग हमें प्रिंट देना होता है। धन्यवाद। आप किस टॉपिक के बारे में नया वीडियो देखना चाहते हैं, कौन से टॉपिक पर वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यह वीडियो अपने ऐसे साथियों को ज़रूर शेयर करें जिनके लिए ये फ़ायदेमंद हो सकता है। इस तरह के और भी नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें। यह वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो इसे तुरंत लाइक करें। वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मैं भारती अपनी पूरी टीम की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद एवं अभिनंदन करती हूँ। जय हिंद।